हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी कोई माँ गर्भवती होती है तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स और कई ऐसी चीजों पर उसे ध्यान देना पड़ता है जिसे लगाने से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, जैसे कि फाउंडेशन, लिपस्टिक, मस्कारा, आईलाइनर, हेयर डाई, इन सारी चीजों के अंदर केमिकल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इसीलिए मैंने आपको अपने पहले की बहुत सी वीडियोस में ये बताया है कि अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान अपने बालों को काला करना चाहती हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, क्योंकि आप प्रेगनेंसी के दौरान हेयर डाई, हेयर कलर या फिर मेहंदी का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। और अगर आपको मेकअप करना है तो आप फाउंडेशन की बजाय हर्बल क्रीम का यूज कर सकती हैं या फिर हर्बल लिपस्टिक का यूज कर सकती हैं। चेहरे को गोरा बनाने के लिए आप घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकती हैं। बाहर बाजार में जाकर ब्यूटी पार्लर में समय खर्च के, अपना पैसा खर्च के आपको फेशियल कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फेशियल के अंदर भी कई ऐसे तत्व होते हैं जो गर्भवती महिला की स्किन के लिए और गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से गर्भवती महिला को परफ्यूम का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। आपको ये जानकर हैरत होगी कि परफ्यूम बहुत सारे लिक्विड्स और केमिकल को मिलाने के बाद बनता है, शायद इसीलिए उसकी खुशबू इतनी स्ट्रांग होती है। अगर आज आपके पास कोई बंदा परफ्यूम लगाकर खड़ा हुआ है तो आपसे 10 कदमों की दूरी पर भी उसकी स्मेल आसानी से पहुंच जाएगी। यही परफ्यूम का मैजिक होता है। लेकिन आपको इस मैजिक से बचने की जरूरत है गर्भावस्था के दौरान। परफ्यूम ना केवल हमारी बॉडी को सुगंधित करता है बल्कि हमारी बॉडी के ऊपर रैशेस, खुजली या फिर संक्रमण को भी बढ़ा सकता है। इसीलिए गर्भावस्था के दौरान परफ्यूम से थोड़ी दूरी बरतना ही जरूरी है। आप चाहे तो मार्केट में मिलने वाले सोप्स का प्रयोग कर सकती हैं। हर्बल सोप के अंदर कई ऐसी खुशबुएं होती हैं जो आपकी पूरी बॉडी को तरोताजा रखती हैं, और जब भी आप उस साबुन से स्नान करती हैं तो आपकी बॉडी को पूरे दिन के लिए रिफ्रेश कर देती हैं। लेकिन गलती से भी आपको परफ्यूम का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसीलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो परफ्यूम को अपने वार्डरोब से 9 महीने के लिए बाय बाय कर दीजिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।